प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि कानून व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में भाजपा नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आज अपराध के कई मामलों में भाजपा के नेता जुड़े हुए हैं और उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला अपराध के मामले में भाजपा नेताओं को संरक्षित करने का काम भी किया जा रहा है। देखिए, सरकार की मंशा ठीक हो तो अपराध रुक सकता है। आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया, मैं आपसे एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। 7 दिन बाद या 5 दिन बाद किसी लड़की के रेप के अगर मेडिकल होगा, क्या मेडिकल रिपोर्ट क्या आएगी? किसी भी डॉक्टर से पूछिए। 7 दिन में तो अगर ब्लेड से हाथ कट जाए वो घाव भी भर जाता है, और जो बच्चे बढ़ रहे हैं जिनकी ग्रोथ हो रही 14 साल 12 साल से लेकर 20-22 साल तक के जो बच्चे हैं उनके घाव जल्दी बढ़ते हैं। तो अगर बच्चियों के मेडिकली 5 दिन या 6 दिन बाद होंगे तो रिपोर्ट्स क्या आएंगी, ये समझा जा सकता है। क्यों 2-2 मंडल अध्यक्षों की जमानत हो गई? सल्ट के मामले में तो साफ मेरा कहना है 5वें दिन मेडिकल होता है, उस मेडिकल में भी ये बताया जाता है, जब दोबारा कराने की बात आती है DM उसमें इंटरवीन करते हैं लोगों के कहने में, तो ये कहता है डॉक्टर की साहब मदर ने कंसेंस नहीं दी। माँ को पता है फॉर्म में कहाँ दस्तखत करने कहाँ नहीं करने? डॉक्टर ने क्यों नहीं कराए इंटरनल पार्ट्स की जांच के लिए? माँ की जो है इच्छा पूछी जाती है, लेकिन जब माँ को बताएगा कोई यहाँ दस्तखत करने आपकी इच्छा जानी जा रही है तब तो करेगी। उसके बाद जब माँ ने दोबारा प्रेशर किया, जब उसको समझाया, 7वें दिन मेडिकल हुआ, 7वें दिन की मेडिकल की रिपोर्ट क्या आएगी? तो ये तो जज की मजबूरी है कि अगर सबूत नहीं मिलेगा तो उसको जमानत देनी पड़ेगी। तो ऐसे जब सरकार ही खुद अपने नुमाइंदों को बचाएगी, अंकिता भंडारी में किसको पता नहीं है कि डोजर चलाए गए और वहाँ के जितने फॉरेंसिक जांच के सबूत है उनको मिटाया गया? किसको यह पता नहीं कि पुलिस के एक आला अधिकारी ने कमरे को VIP बताया? शर्म नहीं आई उस लेडी को जिसने ये कहा कि कमरा VIP होता है? क्या लड़की ने ये कहा था कि एक्स्ट्रा सर्विसेज VIP को दी जा रही है, कमरे को एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जाती है? उसके अंतिम जो मैसेजेस है उनको उसका बयान माना जाना चाहिए था। किस VIP को बिछाने के लिए सरकार ने काम किया है? और जो सरकार और संगठन बड़े नेताओं को बलात्कार जैसे केसों में, मर्डर जैसे केसों में बचाने की कोशिश कर रही, उस सरकार के रहते हुए आप बच्चियों के संग न्याय की बात कैसे कह सकते हैं? आज तक मैं आपके माध्यम से, मेरे ख्याल से और पत्र के माध्यम से 3 या 4 बार उत्तरकाशी का मामला उठा चुका हूँ जिसमें SC ST की बहनों के बलात्कार हुए। आज तक उनको पोक्सो एक्ट के तहत और SC ST एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। वो मुआवजा इसलिए सरकार देती थी कि गरीब बच्चों के संग अगर कुछ ऐसा हो तो उनके माँ बाप ढंग से केस को लड़ सके, उनको न्याय दिला सके, लेकिन आज तक वो फाइलें नहीं पूरी हो रही हैं। तो ये प्रश्न तो सरकार से पूछे जाने चाहिए कि उन 4 बच्चियों के मामलों में अभी तक क्या हुआ, ये सरकार से पूछा जाना चाहिए कि VIP को आपने क्यों बचाया, और जिन लोगों ने सबूत मिटाए उनसे आज तक पूछताछ क्यों नहीं हो रही, उनके नाम उस FIR में क्यों नहीं है? चाहे वो कोई हो, चाहे विधायक हो, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, जिसने डोजर चलाने की बात स्वीकार करी उनसे होना चाहिए। अब तो ऑपरेटर ने भी कह दिया किसने डोजर चलवाया, उस विधायक ने कहा कि मैंने चलवाया है, उस विधायक से आज तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी तो अपराध के सबूत मिटाने वाला है। तो जब जब ये हालात इस प्रदेश में हैं जहाँ सरकार इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, प्रशासन इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे न्याय की बात कर सकते?